आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चिंटू का थोड़ा गला फंस गया ना चिंटू? हाँ। तो चिंटू खाटू सब गए, जब से चिंटू का गला फंस गया है। तो आज कौन सा दिन है? बुधवार है ना? हाँ। आज बुधवार है, तो आज हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। तो देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, तब ब्लॉग में बने रहें और अभी इंजॉय करें हमारे साथ, देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं। चिंटू रेडी हो गई है, चिंटू दिखाओ। चिंटू ये ड्रेस पहनी है, पर्स ली है और पे जमा कर लेता है। हाँ, और दादाजी नीचे चले गए हैं, पापा भी इनके चले गए हैं, और आदित्य आदित्य भी स्कूल से नहीं आए हैं, तो वो हमारे साथ नहीं जा रहे हैं, वो नेक्स्ट टाइम जाएंगे। मम्मा, पापा गिल्ली कार को लेने जा रहे हैं? नहीं नहीं, आज आदित्य आदित्य खुद ही अकेले आएंगे, रिक्शे में आएंगे दोनों। आज पापा नहीं गए लाने के लिए, तो दोनों भाई बहन आदित्य और आदित्य दोनों रिक्शे में आएंगे और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, है ना चिंटू? क्योंकि वो लोग आएंगे तो फिर उन लोग का ट्यूशन भी है, तो इसलिए वो लोग हमारे साथ नहीं जा रहे हैं। फिर उनके पास तो फोन भी नहीं है। टैब है ना? अरे टैब तो घर में। हाँ तो कोई टैब स्विच ऑफ है क्या? नहीं तो आए टैब पे मैसेज देख लिया, मैंने डाल दिया है। ठीक है तो हम चले, तो अभी हमारे ब्लॉग बने रहे और अभी चले और देखे हम कहाँ जा रहे हैं। मम्मा मैं जाऊँ? हाँ चलो। गिल्ली कालू को छोड़ के जा रही है ना, मारेगी देखना आएगी तो। तो जैसे कि देख सकते हैं अब हम सभी जीना से नीचे आ गए हैं और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है। अभी 1:30-2 बज रहा है और पापा जी नीचे आ गए हैं और बड़े पापा जी का वेट कर रहे हैं और चिंटू और चिंटू के पापा आगे आगे जा रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर पहले आए होंगे तो आपको पता ही होगा, वैसे मैं फाइनली आपको बता देती हूँ कि हम कहाँ घूमने के लिए आए हैं। तो गाइस हम आए हैं अक्षरधाम मंदिर घूमने के लिए। अगर आप नहीं आए हैं तो एक बार अपने लाइफ में ज़रूर यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगता है। अंदर तो फ़ोटो शूट करना अलाउड नहीं है, कैमरा वगैरह लेके नहीं जा सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं मंदिर, आपको मैंने दूर से शूट किया है तो मंदिर आपको हल्की हल्की दिखाई दे रही है, लेकिन अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। बाहर ही वहाँ पर कक्ष बना हुआ है, सामान कक्ष, उसमें जमा हो जाता है।
जैसे हम लोग गेट से एंटर करते हैं अंदर, तो पहले एक बार हमारा पहले बैग वगैरह चेकिंग होता है। बैग चेकिंग होने के बाद फिर वहाँ पर सामान जमा नहीं होता है, वो बता देते हैं कि आगे जाके जमा होगा। तो फिर वहाँ बस ऐसे नॉर्मली चेक होता है, लेकिन वहाँ भी कैमरा अलाउड नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत शूट किया था तो उन्होंने मना कर दिया, बोले कि मैडम कैमरा बंद कर लो, यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अक्षरधाम की दीवारें हैं और यहाँ से ही गेट है। ज़्यादा भीड़ नहीं था, हम लोग बुधवार के दिन गए थे। संडे संडे के तो दिन ज़्यादा भीड़ होता है, वैसे मंडे को शायद क्लोज रहता है, ज़्यादा मुझे सही जानकारी है नहीं, मंडे को ही शायद क्लोज रहता है। तो अदिति के पापा ये वॉच खोल के मुझे दे रहे हैं कि इसे भी जमा करवा देना है। यहाँ पर स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, मोबाइल फ़ोन और कैमरा वगैरह ये सब कुछ भी अलाउड नहीं है। तो इस गेट से हम अंदर आए, बस यहाँ पर पहले हमारा सामान बैग वगैरह चेक होता है, और चेक होने के बाद फिर यहाँ पर एक पर्ची कटती है। तो एक गार्ड वाले भैया बैठे हैं पर्ची लेके, तो वो पर्ची देते हैं। फिर पर्ची को फिल करना होता है, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस और नाम। उसके बाद फिर अपने सामान लेके आप सामान कक्ष में जा सकते हैं और फिर वहाँ जाके जमा करवाएं। यहाँ सभी लोग पर्ची को फिल कर रहे हैं, और यहाँ से जमा करने के बाद फिर आप अंदर घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर कोई टिकट नहीं लगती है, कोई चार्ज नहीं है अंदर जाने का, और बहुत ही अच्छा लगता है अंदर में। शायद इन्होंने मोबाइल फ़ोन कैमरा अगर अलाउड नहीं किया तो अच्छा ही किया है, क्योंकि जो चीज़ हमारी नज़रें देख सकती है, जो चीज़ अपने आँखों से हम देख सकते हैं, क्या पता वो हमारे कैमरे में शूट नहीं होता, इसलिए इन्होंने अलाउड नहीं किया है। अगर आप यहाँ नहीं गए तो एक बार ज़रूर जाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हमने अंदर ही फ़ोटो वगैरह शूट होता है, कैमरे वगैरह अंदर कैमरे वाले भैया रिकॉर्ड, तो वहाँ पे जाकर फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हैं अपने। तो हमने भी ये फ़ोटो खिंचवाई थी और पापा जी दोनों का भी फ़ोटो खिंचवाई थी। और आप इस ब्लॉग में बने रहे, आप ब्लॉग को पूरा देखें। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अंदर से घूम के, हमें बहुत अच्छा लगा अंदर में, मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ आपको मतलब मेरी जुबानी सुनने के लिए आपको खुद यहाँ पर आना पड़ेगा एक बार घूमने के लिए। बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत मतलब इतना अच्छा लगा ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो अगर आप अक्षरधाम नहीं आए हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आएँ, अपने फैमिली बच्चों के साथ आएँ, ज़रूर एक बार यहाँ के घूमें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ अंदर आने का कोई चार्ज नहीं है, कोई टिकट नहीं है, यहाँ पर मोबाइल वगैरह भी जमा करने के लिए कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ यहाँ पर फ्री है। जूते चप्पल वगैरह जो अंदर में हम जमा करते हैं सब कुछ फ्री है, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है अंदर आने के लिए। तो आप जब चाहे अंदर आ सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं पहले अंदर से आने के बाद पहले मोबाइल लेने में चली गई थी, तो वहाँ से फिर मैं मोबाइल उबाइल लेने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ बाहर। यहाँ पापा जी लोग बैठे हैं, थोड़ा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा अंदर में घूमे थे तो ये लोग थके हुए हैं। तो यहाँ हम लोग अंदर से आके यहाँ बैठे हैं। अंदर में आपको खाने पीने के बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, चाय, कॉफ़ी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, पानी, बहुत कुछ मिलेगा, सब कुछ है अंदर में। अगर कुछ आपको अंदर से ख़रीदना चाहते हैं, कुछ शॉपिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो अंदर में शॉप भी है, आप अंदर से ख़रीद सकते हैं। चिंटू थोड़ा गुस्से में यहाँ बैठी हुई है, क्योंकि चिंटू के लायक वहाँ पर कोई खिलौने वगैरह नहीं मिला। जो भी था, जैसे कि अक्षरधाम के फ़ोटो था, प्रिंट वगैरह था वहाँ के, बाकी थैला, अगरबत्ती, ये सब वहाँ मिलता है, मंदिर, मतलब बहुत कुछ मिलता है। और घर में सजावट के सामान सजाने के लिए जो होता है, बहुत कुछ है वहाँ पर। तो अगर आप यहाँ नहीं आए हैं तो एक बार ज़रूर आए, आकर देखिएगा आपको यहाँ कैसा लग रहा है। हमें तो बहुत अच्छा लगा। और फिर हम घूमने के बाद फिर हम बाहर आ गए हैं, पापा जी लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि यहाँ से बाहर जाने के लिए कम से कम 10-15 मिनट लगता, तो इसलिए हमने पापा जी लोग को रिक्शा पकड़ा दिया और फिर हम लोग यहाँ से पैदल ही आ रहे हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा थके हुए थे, अंदर में घूम घूम के थक गए थे, और फिर यहाँ से हम दोनों फिर पैदल आ रहे। चिंटू को भी रिक्शे पर बैठा दिए थे, और उसके बाद फिर जैसे कि आप देख सकते हैं फिर यहाँ हम आगे आ गए हैं। ये पीछे का नज़ारा है अक्षरधाम का, दूर से देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। ज़्यादा मेरे कमरे में तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, ज़्यादा शूट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा है। और यहाँ से हम लोग फिर हम दोनों निकल रहे हैं, और कुछ कुछ स्कूल के बच्चे भी आए थे वहाँ घूमने के लिए, और दूर दूर से लोग आए थे घूमने के लिए। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। अब ये देख सकते हैं कुछ लोग अभी जा रहे हैं शाम को, ये सबको सेम ड्रेसेस, सभी रेड रेड ड्रेस में जा रहे हैं, रेड रेड कैप डाले हुए हैं। तो रोड के उस तरफ से जा रहे हैं, ये उधर से जाने का रास्ता है, इधर से आने का रास्ता है। और अदिति के पापा भी जा रहे हैं आगे आगे, मैं भी आ रही हूँ उनके साथ ही। और यहाँ से फिर हम बस ऐसे घूमने के बाद फिर हम घर आ जाते हैं।
तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मेरे ब्लॉग को फर्स्ट बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, नए ब्लॉग लेके आते हैं आपके लिए। ये ब्लॉग यहीं तक। और जैसे आप देख सकते हैं चिंटू यहाँ पर कुछ चीज़ खरीद रही है अपने लिए। बस चिंटू के चीज़ खरीदने के साथ ही यहाँ आप आज के ब्लॉग के हम यहीं पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग यहीं तक। बाय बाय।